अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी अदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, और अगर अभी तक पाकिस्तानी गैंग में आप दाखिल नहीं हुए तो सब्सक्राइब का बटन दबा के अभी हो जाए दाखिल, ताकि आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। तो आज लास्ट व्लॉग में जैसा कि बताया था, जाना है पाक पतन शरीफ, तो अभी सब रेडी वगैरह हो गए हैं, तो अभी तैयारी है बस फुल। अभी बस चलते हैं, ज़रा कैप पहन लें, थोड़े सामान अपलोड हो, और इस बैग में अपना सारा सामान, और बाद तो भी बस है फुल तैयारी। तो अभी निकल गए थे घर से सारे, और रास्ते में रुके एक जरा पंप पे, पेट्रोल पंप पे, क्योंकि यहाँ पे भरवानी है टायरों में हवा, और गाड़ी में सारे बैठे हुए। अभी पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाक पतन शरीफ। ये है सारा पाक पतन का बाजार है, और आज है 10 मुहर्रम, तो जो मेन है वो है यहाँ का बंद। 10 मुहर्रम को मेन रोडों पे होता है जुलूस, तो इस वजह से अंदरून बाजार से आना पड़ता है। तो जो फर्स्ट टाइम है वो 10 मुहर्रम को ना आए, क्योंकि पहले इनका होता है मेला। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, ये गेट है ये साथ बंद कर देते हैं रास्ते सारे यहाँ के, और अभी भी यहाँ पे काफ़ी रश है, और मौसम बड़ा ही प्यारा हुआ है, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है इस टाइम। ये है जी यहाँ का मेन गेट, और ये गेट होते हैं जब उर्स होता है उस टाइम बंद होते हैं, और साइडों पे दीवारें कर देते हैं ताकि कोई गुजरे ना, कि जो लोग अंदर होते हैं उस टाइम वही अंदर रहते हैं और हाजिरी वगैरह करते हैं। तो अभी जल्दी जाएंगे इंशाल्लाह, दरबार की ज्यारत करवाएंगे आपको। ये देखिए ये है एंट्री, मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम हूँ, इसलिए मुझे भी रहना पड़ेगा मामू जी के साथ। और अभी यहाँ से करनी है अंदर चेक इन, अंदर जाएंगे और अंदर इंशाल्लाह आपको फिर सारा दिखाएंगे। और यहाँ पे करवा दिए अब जूते जमा, और अब जा रहे हैं जी ऊपर वाली साइड पे, यहाँ पे करेंगे पहले वजू और उसके बाद जाएंगे ऊपर। और ये है माशाल्लाह ऊपर का सारा नज़ारा जब आप सीढ़ियाँ चढ़ के आएंगे। और अभी जाएंगे जी इसके बाद अंदर, लेकिन यहाँ पे आपने सबसे ज़्यादा जो ख्याल करना है, एक तो है जेब कतरों का ख्याल कि आपकी जेब से कोई चीज़ ना गुम हो जाए, और दूसरी अभी तक की जो चीज़ है वो है कि आपने मेन गेट पे वीडियो नहीं बनानी, क्योंकि मैं वहाँ बना रहा था और उन्होंने वहाँ पे मना किया है जी वीडियो नहीं बनानी, और लास्ट 6 जो वीडियो थी वो भी डिलीट करवाई है, और साथ ही है ये यहाँ पे आपको, यहाँ पे एक आंटी बैठी थी उन्होंने दिया, और अब कराते हैं आपको ज़्यारत। ये देखें जी ये मोहम्मद लिखा हुआ,
ये देखिए, ये टाइल पे मोहम्मद पूरा लिखा हुआ है और ये है अंदर। और ये यहाँ पे मेरे ख्याल इन्होंने अपने बुजुर्गों वगैरह की बनाई हुई है सारी। और ये यहाँ पे थे, अब जा रहे हैं यहाँ पे है जी बाबा जन्नत जिसे कहते हैं जी, बिश्ती दरवाजा यहाँ पे। यहाँ से है जी ये देखें, यहाँ पे भी है अपने हाथ से डालो भाई, यहाँ पे आप हड्डिया वगैरह डाल सकते हैं। और ये है जी बाबा जी के, ये बिश्ती दरवाजा, ये इसे बिश्ती दरवाजा कहते हैं। इसकी आप सल्लम ने बिशारत दी हुई है कि ये जो जगह है ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। तो अभी इसको करीब से जाके जरा देखते हैं। यहाँ से इसकी एंट्री लंगर में से डाल के दे, दरवाजा बंद करेगा। और ये देखें, ये वो जगह, ये जब इनका उर्स होता है मेरे ख्याल 8-9 मुहर्रम को, ये उस दिन दरवाजा खुलता है और लोग इसमें से बहुत ज्यादा तादाद में गुजरते हैं। और ये उसकी बाहर की साइड, और ये जो दरवाज़ा है बिश्ती दरवाजे के बिल्कुल सामने जी, यहाँ पे जो बाबा जी की आल औलाद है उनकी सबकी यहाँ पे अंदर कब्र मुबारक है सबकी इस जगह। और यहाँ पे जी बिश्ती दरवाजे के बिल्कुल बाहर लंगर है। और ये है यहाँ की मस्जिद, बहुत बड़ी है बाहर से। अब जा रहे हैं जी इसके अंदर और अंदर का भी आपको जरा पूरा दिखाते हैं। और ये जगह फुल हुई होती है जब यहाँ पे उर्स होता है। ये देखें जी माशाल्लाह, ये यहाँ पे कूलर वगैरह एसी सब इंतजाम है, बहुत बड़ी ये जगह है। अभी यहाँ पे पढ़ते हैं जोहर की नमाज और इस टाइम जा रहे हैं सब वापस। नमाज पढ़ ली है यहाँ पे और ये मस्जिद से निकलते ही सामने है जी इस जगह पे है बिश्ती वाली जगह। और यहाँ पे वैसे ही लोग मन्नत वगैरह बांधते हैं यहाँ पे इस जगह। और इसके सामने ये थी मस्जिद। तो अभी बस नमाज भी पढ़ ली, सलाम भी हो गया, अब सब जा रहे हैं जी वापस। तकरीबन 1-1.5 घंटा यहाँ रहे हैं हम, गुजारे हैं यहाँ पे। लाहौर से ये तकरीबन 3.5-4 घंटे का सफ़र है यहाँ पाक पतन शरीफ का। लेकिन कोई हैवी ड्राइवर हो
वो 2.5 घंटे में यहाँ पहुँच जाती, और आज वैसे भी रोड सारी खाली थे 10 मॉर्निंग की वजह से। और ये हैं सारे मामू और ये भाई मेरा। यहाँ से ली थी जी एंट्री, और अब यहीं से होगी जी हमारी एग्जिट इस दरवाजे से। पहले यहाँ से एंट्री लेके यहाँ गए, उसके बाद घूम के वहाँ, और उसके बाद सीधा मस्जिद, और अब यहीं से दोबारा वापस। और असल हिम्मत है इनकी, इनको सलूट है, क्योंकि ये हर टाइम यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। ये देखें ज़मीन पे, हर टाइम गीली जगह, कीचड़ है। और अभी इस जगह यहाँ पे टोकन दे के अपनी चप्पलें लेनी है, और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे चप्पलों के कोई पैसे नहीं है, बिल्कुल फ्री। और इन्होंने यहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर भी लगाए हैं, और अब यहाँ से चप्पल लेंगे और उसके बाद यहाँ से बाहर जाएंगे। ये यहाँ पे गेट पे उन्होंने रोका था पुलिस वालों ने कि मूवी ना बनाओ। अब यहाँ से जाएंगे जी आगे बाजार की तरफ। ये सारा यहाँ पाक पतन का बाजार है ये। यहाँ से हो रही है जरा वापस, और रास्ते में देख रहे हैं कुछ, क्योंकि भूख भी लग गई है घूम फिर के, तो खाने पीने के लिए कुछ चीज़ देख रहे हैं। और ये हैं यहाँ पे एंट्री के गेट, यानी यहाँ से बाजार में एंटर होते हैं, और जब उर्स शुरू होता है तो ये गेट के साइड गेट भी बंद होते हैं, और इनकी साइड पे ये दीवार ऊपर तक गेट के बराबर तक, वो देखें हम निशान देख रहे होंगे, बिल्कुल इसको पैक कर देते हैं कि जो लोग अंदर हैं वो ही सिर्फ अंदर जाएंगे, बाहर वाले नहीं। और रास्ते में एक बहुत बड़ा फॉर्म नज़र आया, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही बड़ा है, तकरीबन एक लाइन में 5-5, 6-6 शेड लगे, और इनके नीचे फुल देखने बाहर से देखा ना तो फुल अंदर भैंसें खड़ी हुई थी, बहुत बड़ा डेयरी फार्म टाइप इन्होंने बनाया हुआ था रास्ते में। और ये है जी KFC का मील जो ऑर्डर किया था, और फाइनली ऑर्डर आ गया, तो अब इसको करते हैं ओपन। तो इसमें फ्राई चिकन भी हैं, जिंगर भी हैं, और सेपरेट बन भी हैं, और जो इसकी चिकन का टेस्ट है कमाल है यार, मैंने तो इतनी जूसी चिकन नहीं खाई। और स्पेशली जिंगर जो है, जिंगर में होता है अक्सर के जो पीस लगा होता है ना चिकन का, वो ड्राई सा होता है, लेकिन नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है यार KFC का। और अगर आप सही में बर्गर्स के लवर हैं और फ्राई चिकन, तो KFC खाएं। और वहां से निकले थे तो लग गई थी भूख, चने खा लिए, फिर उसके बाद सीधा आए उकाड़ा, और यहां मैंने कहा जी मिल लें जरा बाबा जी से, यहां पे भी शायद कोई लंगर का इंतजाम हो, लेकिन ये तो बहुत मींगू है। ऐसे तो नहीं होता है। कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन अब खाना खा लिया, अब चलते हैं बस, अब लाहौर जाके मिलेंगे। लाहौर जाके क्यों मिले हैं, तो रास्ते की चीजें कौन दिखाएगा। तो अभी रुके हैं एक नर्सरी पे, यहाँ से लेने हैं पौधे। ये जो सारा एरिया है ये पत्तों की का एरिया है, और यहाँ पे नर्सरियाँ वैसे ही बहुत मशहूर हैं। तो अभी जा रहे हैं ज़रा पौधे देखने, ये देखें ये सारा पत्तों की का इलाका है, और यहाँ पे सारी नर्सरियाँ बहुत बड़ी बड़ी।
और ये देखें इन्होंने लगाए हुए हैं। क्या जबरदस्त फूल खिले हैं। एक लिया था वहाँ से गुलाब का, एक लिया नींबू, नींबू भी लगे हुए छोटा, ये भी नींबू है। इस पर भी शायद कहीं लगाओ, ये फूल उग रहे हैं इस पर भी छोटे छोटे से, और ये नींबू बनेंगे देखें। ये लगाओ, दो हैं नींबू के, एक गुलाब का, और ये है मोतिया, बहुत ही प्यारी खुशबू। और ये भी है जी मोतिया, और ये है जी बाबा फरीद के वहाँ के फूल जहाँ हम गए थे। और ये है जी मोतिये की बेल वाला, और ये है फूल यानी पौधा। और ये लाए हैं वो पिछला आर्टिफिशियल है ये वाला, और ये देखें ये माशाल्लाह बड़ा सारा लाए हैं अनार का वहाँ से। ये तकरीबन 6-7 गमले हैं, ये सारे लगाएंगे अब। तो अभी पहुंच गए हैं फाइनली घर अल्हम्दुलिल्लाह। और पाक पतन शरीफ लाहौर से तकरीबन 220-250 किलोमीटर के करीब है। लाहौर से पाक पतन का डिस्टेंस 220 किलोमीटर है। तो ये तकरीबन मैंने आपको बताया था कोई अच्छा ड्राइवर हो तो 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं इजीली लाहौर, पाक पतन लाहौर से। पहले मैं हासिलपुर से लाहौर आता था तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती थी और थक जाते थे, लेकिन जब से मैंने 2-3 दफ़ा कराची का टूर किया है उसके बाद तो कोई थकावट नहीं होती। अब पाक पतन से होके वापस आ गए हैं घर पे, लेकिन अभी भी फुल फ्रेश हूँ, कोई थकावट नहीं है। तो ये जब इंसान को टूर की थोड़ी आदत हो जाती है, और मुझे वैसे भी शौक है घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं हो रही, और बहुत अच्छा सफ़र रहा है माशाल्लाह। रात टाइम काफ़ी रश था क्योंकि कल से मार्केट वगैरह भी खुलेगी, इस वजह से काफ़ी रोड पर रश था। और उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और कई लोगों ने जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। पहले मैंने किए हुए थे सब्सक्राइबर्स प्राइवेट अपने, लेकिन अब कर दिए अनप्राइवेट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी पता चले कितने सब्सक्राइबर्स हैं, और मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह ये हमारी फैमिली यूट्यूब की तेज़ी से ग्रो करे। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।